शिक्षकों को पसंद के स्कूल में जाने के लिए चुनने होंगे 10 शैक्षणिक ब्लॉक। हरियाणा में ऑनलाइन स्थानांतरण में अब नियमित शिक्षक और अतिथि शिक्षकों को पसंद के स्कूल में जाने के लिए न्यूनतम 10 शैक्षणिक ब्लॉक चुनने होंगे। उन सभी पुरुष और महिला शिक्षकों को अधिकतम 5 अंक दिए जाएंगे जिनके पति पत्नी प्रदेश के किसी विभाग, बोर्ड, निगम, सार्वजनिक उपक्रम, विश्वविद्यालय या हरियाणा में स्थित किसी केंद्रीय विद्यालय में तैनात हैं। केंद्र सरकार के हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ में स्थित कार्यालयों में नियमित आधार पर कार्यरत या अतिथि शिक्षक के रूप में तैनात कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। दोस्तों, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में सोमवार को हुई बैठक में 5 जून 2017 को जारी शिक्षक स्थानांतरण नीति को रद्द कर दिया गया है और नई शिक्षा नीति 2023 को मंजूरी दे दी गई है। नई शिक्षा नीति में राज्य शिक्षक पुरस्कार और राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के आधार पर जोन तथा अंकों की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया है। एक शिक्षक एक स्कूल में अधिकतम 5 साल तक रह सकेगा। विधवाओं के लिए श्रेणीबद्ध तरीके से अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। शिक्षकों से राज्य काडर और जिला काडर पदों के लिए विशेष जिले के सभी ब्लॉक के लिए न्यूनतम 10 शैक्षणिक ब्लॉक का विकल्प मांगा जाएगा। नियमित और अतिथि शिक्षकों दोनों की पसंद पर विचार करके प्रत्येक पद हेतु प्रत्येक ब्लॉक के लिए सामान्यकरण किया जाएगा। पति पत्नी में से किसी एक को मिलेंगे 10 अंकों का लाभ। यदि पति और पत्नी दोनों शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं तो 10 अंकों का लाभ का दावा कर सकते हैं। उनमें से कोई एक यदि ये कर सकता है, दोनों में से कोई एक 10 अंक ले सकता है। उम्र और विशेष कारकों के आधार पर प्राप्त अधिकतम योग्यता अंक 80 से अधिक नहीं हो सकते। नू और मोरनी में अतिरिक्त वेतन मिलेगा। शेष हरियाणा काडर से यदि कोई शिक्षक पंचकुला के मोरनी क्षेत्र और पलवल के हथीन खंड या नू जिले में स्थित स्कूल में जाने का इच्छुक है तो ऐसे नियमित शिक्षकों को मूल वेतन का अधिकतम और अतिरिक्त 10% जमा महंगाई भत्ता दिया जाएगा। अतिथि शिक्षकों को 10,000 प्रतिमा प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। बोर्ड के अच्छे परिणाम पर स्कूल प्राचार्यों और मुख्य शिक्षकों को मिलेगा लाभ। बोर्ड का यदि स्कूल का अच्छा परिणाम आता है तो प्रिंसिपल को अंकों का लाभ मिलेगा, शिक्षकों को नहीं मिलने वाला, बल्कि ये हेडमास्टर प्रिंसिपल को मिलेगा।